प्रिय विद्यार्थी, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने सर्वनाम की परिभाषा और उनके प्रकार के बारे में पढ़ा। आज हम सर्वनाम का चौथा प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पूर्व एक बार हम पीछे के जो सर्वनाम पढ़े थे उनका रिविजन करते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के छह भेद हैं, जिनमें से हमने तीन भेद पिछली ऑनलाइन क्लास में पढ़े थे। पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ा, पुरुषवाचक सर्वनाम के सब भेद पढ़े, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़े। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं और वहां आकर एक वाक्य को प्रश्नवाचक बनाते हैं, ऐसे शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें है क्या, कौन, किसने, किसके, कहां आदि। इसमें क्या का प्रयोग वस्तुओं के लिए और कौन का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है। दो वाक्य बनाए हुए हैं, तुम्हारे हाथ में क्या है और कौन उत्तर देगा, ऐसे शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगली ऑनलाइन क्लास में हम इसके आगे के शेष बचे दो भागों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।